चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या है बच्चों। प्रॉब्लम स्टूडेंट ये है, ए पार्टिकल इज थ्रो सच दैट फोर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द होरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर इज सेम। देखो दो एंगल हम लोगों को दे रखे हैं और उन दोनों एंगल के लिए होरिजॉन्टल रेंज सेम है। अगर दोनों एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल से रेंज सेम है तो पक्का एक एंगल तो थीटा है और एक एंगल 90 माइनस के थीटा है, क्योंकि रेंज सेम तब होती है दो एंगल के लिए जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है बच्चों। यानी जब भी, मतलब इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, जो ट्रिक पॉइंट है वो यही है कि दो एंगल के लिए दो बार बॉल को फेंका, दोनों की रेंज आपको सेम दे रखी है। और दोनों की रेंज सेम होने का मतलब यही है बच्चों कि एक एंगल है मेरे पास में थीटा और दूसरा एंगल है मेरे पास में 90 माइनस थीटा। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब पार्टिकल इज थ्रो सच दैट फोर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द होरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर इज सेम इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम हाइट। हम लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा भाई, एक बार सुनो बात को ध्यान से। मैंने कहा कि अगर रेंज सेम है तो पक्का एक एंगल तो थीटा है और दूसरा एंगल है हमारे पास में 90 माइनस के थीटा। अब देखो हम आंसर कैसे निकालेंगे भाई। आप ये देखो कि T1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में। अगर एक एंगल थीटा है तो T1 की वैल्यू होगी 2u sin थीटा अपॉन g। समझ रहे हो बच्चों? अगर हमारे पास में एक एंगल थीटा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 का वैल्यू ये होगी, अगर हमने एक बार u वेलोसिटी और थीटा एंगल से बॉल को फेंका है तो। अब T2 की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। T2 के लिए एंगल इतना है तो बस हम लोगों को एक काम करना है, 2u sin थीटा की जगह हम लोग कर देंगे 90 माइनस के थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास में ग्रेविटी। अब देखिए हम क्या करेंगे। हम लोगों ने लिखा 2u sin 90 माइनस के थीटा, ये हो गया भाई हमारे पास में कॉस थीटा और अपॉन में है ग्रेविटी। T1 की वैल्यू मेरे पास में इतनी है बच्चों, T2 की वैल्यू मेरे पास में इतनी है। वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां निकाल देता हूं, स्पेस तो काफी है हमारे पास में। चलिए T1 की वैल्यू है मेरे पास में 2u sin थीटा अपॉन ग्रेविटी, T2 की वैल्यू है मेरे पास में 2u cos थीटा अपॉन ग्रेविटी। और रेंज का तो एक ही फॉर्मूला होता है, रेंज का कोई अलग-अलग नहीं होगा, चाहे आप इतना एंगल लें या आप इतना एंगल लें, रेंज का हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है और वो है ये sin 2 थीटा अपॉन ग्रेविटी। ये हमारे पास में रेंज का फॉर्मूला है बच्चों, u² sin 2 थीटा अपॉन ग्रेविटी। ये T1 की वैल्यू जब एंगल इतना है और ये T2 की वैल्यू जब एंगल इतना है। हमने ये एंगल क्यों माना, मैं चाहता हूं कि एक एक बात आपको क्लियर रहे। हमने ये दो एंगल क्यों माने, क्योंकि उसने कहा कि दो बार बॉल को फेंका गया और दोनों बार रेंज की वैल्यू सेम आती है। अब जैसे ही वो हमें ये कहेगा ना कि भाई दो बार बॉल को फेंका गया और दोनों बार रेंज की वैल्यू सेम आई, हम एकदम से समझ जाएंगे कि पक्का एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस के थीटा है। समझ आ रही है बच्चों बात? अब हम क्या करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जो sin 2 थीटा यहाँ पर लिखा हुआ था ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। हमने sin 2 थीटा को लिख दिया, हमने sin 2 थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई T1 T2 अपॉन R की। चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, u इंटू यू यू स्क्वायर कैंसिल आउट। समझ आ रही बच्चों बात? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, सब कुछ कैंसिल आउट। मेरे पास में बचा है 2 और मेरे पास में बचा है ग्रेविटी, और कुछ नहीं बचा है। तो आंसर बना हमारे पास में 2 अपॉन ग्रेविटी। यानी ये जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही है ना बच्चों, इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल कर आएगी 2 अपॉन ग्रेविटी।
ध्यान रखिएगा, टू अपॉन ग्रेविटी कब निकल कर आएगी, जब एक एंगल हम थीटा मानेंगे, दूसरा हम 90 माइनस के थीटा मानेंगे। बच्चों ये सिचुएशन हमारे पास में रहने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। इस प्रॉब्लम का जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि एक एंगल को थीटा मानना और दूसरे को 90 माइनस के थीटा मानना। जब एक एंगल को थीटा माना तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना निकल कर आया, और जब एक एंगल को 90 माइनस के थीटा माना तो साइन 90 माइनस के थीटा, एंगल की जगह 90 माइनस के थीटा रखा है बच्चों मैंने। मैं बार बार इसी बात के ऊपर गौर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट यही है कि रेंज जब सेम होती है तो एक एंगल थीटा होता है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होता है। पूरे को हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर बन चुका है, ठीक है। हम लोगों ने इसका ए पार्ट सॉल्व कर दिया है। आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए कि भाई ए पार्ट को हमने कैसे बनाया है। ओके, ए पार्ट हम लोगों ने बना दिया है, अब इसका बी पार्ट हम लोग बनाएंगे। बच्चों हम इसका बी पार्ट अब सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि बी पार्ट क्या है स्टूडेंट। चलिए बच्चों इस बार हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अरे बड़ी आसान है यार, हम h1, h2 और r की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। h1 हाइट कब है? जब एंगल थीटा है तब हाइट हमारे पास में h1 है। भाई एक एंगल तो है हमारे पास में थीटा और दूसरा एंगल है हमारे पास में 90 माइनस के थीटा। जब एंगल हमारे पास में 90 माइनस के थीटा है तब हाइट हमारे पास में h2 है। जब एंगल थीटा है तो हाइट है हमारे पास में h1। जब एंगल हमारे पास में 90 माइनस के थीटा है तब हाइट हमारे पास में h2 है। रेंज की वैल्यू हम लोगों को पता है। हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे यहाँ इसकी, और हमने आपसे कहा कि भाई जब एंगल हमारे पास में थीटा है तब हाइट है h1, समझ रहे हैं आप लोग। और जब एंगल हमारे पास में है 90 माइनस के थीटा तब हमारे पास में हाइट है h2। अब हम लोग हाइट की वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी। हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास में ये बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू ग्रेविटी। ये हमारे पास में h1 का फॉर्मूला है बच्चों। H2 की वैल्यू मेरे पास में होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखा जाएगा स्टूडेंट 90 माइनस के थीटा और अपॉन है मेरे पास में 2 इंटू ग्रेविटी, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास में h1 की है और ये वैल्यू मेरे पास में h2 की है। जब इस वैल्यू को मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस के थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 2 इंटू ग्रेविटी। ये वैल्यू है बच्चों मेरे पास में h1 की और ये वैल्यू है मेरे पास में h2 की। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात में आप लोगों को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा रेंज की वैल्यू क्या होती है भाई अपने पास में? भाई रेंज की वैल्यू तो हमारी फिक्स होती है और रेंज की वैल्यू है ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ग्रेविटी। ये h1 की वैल्यू है, ये h2 की वैल्यू है और ये रेंज की वैल्यू है। हमें सिर्फ करना इतना है बच्चों कि इन तीनों की वैल्यूज को उठाकर यहां पर पुट करना है और कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा भाई हमारे पास में, भाई क्या रिजल्ट अपने पास में बनेगा। देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग कि भाई क्या रिजल्ट अपने पास में बनेगा। 4 h1 की वैल्यू है मेरे पास में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू ग्रेविटी। h2 की वैल्यू है मेरे पास में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू ग्रेविटी और नीचे मेरे पास में रेंज है स्टूडेंट। रेंज की वैल्यू है मेरे पास में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ग्रेविटी। अब मुझे इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है भाई, देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास में निकलेगा।
देखो स्टूडेंट कैसे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, ये भी 2 है ये भी 2 है, 2 इंटू 2 4, और 4 का जब हम लोग अंडर रूट करेंगे ना बच्चों, तो वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास में इस 2 और इस 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग हमारी बात को सुनिएगा भाई, ये हमारे पास में 2 इंटू ग्रेविटी है, ठीक है, ये हमारे पास में 2 है, ये हमारे पास में 2 है और ये भी 2 है, जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में निकलेगा बच्चों, यहां सिर्फ हमारे पास में बचने वाला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है, 2 आ जाएगा बाहर, इससे ये कैंसिल आउट, यहां बचेगा बच्चों मेरे पास में 2, ठीक है, जी इंटू जी जी स्क्वायर, जब जी स्क्वायर का हम लोग बाहर निकालेंगे तो सिर्फ जी बचेगा, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यानी यू की पावर 4, यू की पावर 4 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास में सिर्फ यू स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप देखो भाई मैं यहां लिख रहा हूं 2, ये बचेगा हमारे पास में यू स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास में साइन थीटा, ये बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा जी, और ये वैल्यू भी हमारे पास में यही है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ग्रेविटी। हमने पूरी वैल्यूज को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास में 1 बना बच्चों। सिंपल हमने भाई ऐसी प्रॉब्लम तो आपने 10th क्लास के अंदर बहुत सारी करी होगी यार, मैं आपको H1 निकाल कर दे चुका हूँ ऑलरेडी, H2 मैं आपको निकाल कर दे चुका हूँ, रेंज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई रेंज इतनी है, आपको करना क्या है, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ तीनों की वैल्यूज को उठाना है, H1 H2 और R की जगह पुट करना है, और पुट करके जब हमने कैलकुलेट किया तो पूरा आंसर हमारा 1 के बराबर निकल कर आया, यानी ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास में ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है, और ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास में ये पूरी वैल्यू 2 अपॉन ग्रेविटी के इक्वल है बच्चों, ये आंसर हमारे सामने निकल कर आएगा, दैट्स ऑल, बहुत ही आसान बात है। लेकिन इस प्रॉब्लम से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है बच्चों, यहाँ से आपको सीखने के लिए ना बहुत कुछ मिलता है, वो क्या है कि 2 एंगल होने के बावजूद भी रेंज की वैल्यू सेम है। अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसी कहानी आती है कि भाई 2 एंगल में दोनों की मतलब एक को हमने एक एंगल से फेंका, दूसरी बॉडी को हमने दूसरे एंगल से फेंका, दोनों में रेंज सेम है, तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि दोनों के एंगल का सम 90 है, और एक एंगल को हम थीटा लेट कर सकते हैं और दूसरे एंगल को हम 90 माइनस के थीटा लेट कर सकते हैं।